जवाब दूं मैं? चलो क्विकली स्टार्ट यार। तो क्या जान और जानवी पहली पिक्चर है, प्रमोशन चल रहा है, इंटरव्यू, कितना एंजॉय कर रहे हैं प्रमोशन का जो पूरा सफर है? आप कहीं नहीं पहले के नहीं, आप शुरू कीजिए। अब तक बहुत ही मज़ेदार रहा है, शायद इसलिए क्योंकि शशांक को जानवी के साथ सफ़र करने का मौका मिल रहा है दोबारा शूटिंग के बाद। लेकिन हाँ, थकावट तो होती है, एक के बाद एक इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अच्छा लग रहा है कि हम अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। चर्चा बहुत है, लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि लोगों को फिल्म और भी ज़्यादा पसंद आए। 20 जुलाई को आ रही है हमारी फिल्म, इन केस यू डिडंट नो। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, इतने सारे नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, हमारी फिल्म के बारे में बात करने का मौका मिल रहा है, तो हाँ मज़ा आ रहा है। लेकिन एक नर्वसनेस भी है क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ या यू नो, किसी को अपसेट ना करूँ, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस है, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हाँ, मतलब एक्टिंग अच्छे से कर रहा उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा है, लेकिन आई थिंक हम बहुत खुश हैं कि हमें इस फिल्म का हिस्सा मिलने का मौका मिला, और बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है हमारा इस फिल्म के साथ, तो शायद इसलिए एनर्जी अच्छी है, बहुत पॉजिटिविटी है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है, नर्वसनेस थोड़ी कम है, हालांकि है और सोचा जाए तो बहुत है, लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा है जी। और कॉन्फिडेंस हमें हमारी टीम से ही मिल रही है, हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। तो धड़क जैसा प्यार धड़क में ही हुआ था, पार्थिवी को मधु से प्यार हुआ था फिल्मिंग के दौरान, तो ये था फर्स्ट टाइम धड़क जैसा प्यार। अच्छा, पूरे देश भर में आपको कैमरा प्यार मिल रहा है, उसके बारे में कुछ कहिए। आपने बहुत जगह प्रमोशंस किए हैं, बहुत ज़्यादा क्रेज दिखाई दिया है फिल्म के ऊपर, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि यू नो, लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए। लेकिन यू नो, मैं थोड़ी चिंता भी है कि मैं इनको निराश नहीं करना चाहती हूँ, जिम्मेदारी है, ये लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, तो यू नो, हमारे काम के जरिए हमें भी इनको बहुत कुछ देना है, खुश करना है हमारे काम के साथ। जी, आई थिंक उदयपुर में हमने जितना भी वक्त बिताया हम सब के लिए बहुत स्पेशल है। हर दिन गुजर जाता था, बीत जाता था, पता भी नहीं चलता था, क्योंकि काम हम सब इतने मज़े से कर रहे थे, इतने प्यार से कर रहे थे। मुझे याद है कि इस फिल्म की फर्स्ट शेड्यूल के दौरान मुझे 2 दिन लगातार पानी में बहुत कूदना था, क्योंकि एक दिन मुझे एक दिन बावड़ी में कूदना था और फिर अगले दिन मुझे लेक पिचोला में, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा तालाब है उदयपुर में, वहाँ कूदना था। और हम दिसंबर में शूटिंग कर रहे थे, तो ठंड बहुत थी और पूरे कपड़े समेट कूदना था अंदर, तो वो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। और आई थिंक कुछ ऐसी रातें थीं जहाँ हमने एक बहुत ही अहम सीक्वेंस इस फिल्म का शूट किया है, देर रात में बाहर सड़कों में उदयपुर में। मुझे याद है कि हमने एक पूरे अलग नज़रिए से देखा उदयपुर शहर को, और शायद हम ही थे उन गलियों में, रात में सुनसान गलियों में नई नई गलियां देखने का मौका मिला, और तो वहाँ की कुछ यादें हैं, बहुत ढेर सारी यादें हैं, मैं आपको एक वक्त में थोड़ी बता सकता हूँ। जी या आई जस्ट होप दैट यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड, इतने लोगों को सायराट से इतनी मोहब्बत है, हमें भी है, बहुत ही स्पेशल फिल्म है, एक आइकॉनिक फिल्म है, लेकिन हम इसी कहानी को एक नए नज़रिए से बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस एक चांस चाहते हैं कि आप आए और देखिए, क्योंकि बहुत ईमानदारी से बनाया है हमने इस फिल्म को, बहुत मेहनत से, और हमारी नीयत अच्छी थी, हमें सही में इस कहानी से बहुत लगाव है, और
जी एक ईमानदार फिल्म बनाने की कोशिश की है, सो आई होप दैट ट्रांसलेट्स एंड पीपल रेजोनेट विद दैट। बैशिंग को किस तरह हैंडल करोगे, क्योंकि प्यार के साथ उतनी ही बैशिंग भी मिलेगी आगे भी शायद। जी जी, नहीं मैं ये बात बिल्कुल समझ सकता हूँ कि लोगों को बहुत लगाव है सैराट से, इतनी खूबसूरत फिल्म है, इतना कमाल का प्रदर्शन किया है सैराट ने, और उनमें से कुछ लोग हम भी हैं जिनको इस फिल्म से इतनी मोहब्बत थी कि हमने कोशिश की कि उसको एक श्रद्धांजलि दें। और इस फिल्म को बनाने का मतलब हमेशा ये था कि ये जो कहानी है वो उतनी ही रेलेवेंट है राजस्थान में जितनी कि महाराष्ट्र में है, और इस पूरे देश को ये कहानी बताना बहुत ज़रूरी लगा, और शायद इस वजह से शशांक ने ये फिल्म चुनी। शशांक माशाल्लाह एक ऐसी जगह में थे और हैं अभी कि वो कोई भी फिल्म चुन सकते थे, लेकिन इस फिल्म से उनको एक प्रेरणा मिली और उनको लगा कि ऐसी कहानी बतानी ज़रूरी है और अपने अंदाज से बताना, ये उनकी नियत थी। और हम सब ने बहुत ही शिद्दत से कोशिश की है कि हम एक नई फिल्म बनाएं, अपनी खुद की फिल्म बनाएं उससे प्रेरणा लेकर। तो जी हाँ, आप दोनों अपनी फैमिली लेगेसी को आगे लेके जाने वाले, तो उस चीज का कितना प्रेशर है आप दोनों पर, क्योंकि आप दोनों की फैमिली जो है कपूर खानदान और आपका भी जी, तो क्या कहेंगे उस बारे में, लेगेसी को लेकर कितना प्रेशर है आप दोनों पर, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें। प्रेशर का पता नहीं, प्रेशर भी शायद है लेकिन मैं प्रेशर पे को ज़्यादा अटेंशन नहीं देना चाहती, लेकिन जितना प्यार हमारी फैमिली को मिला है, मेरी फैमिली को मिला है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, हम सब बहुत ही आभारी हैं। तो मैं भी उतना ही प्यार कमाना चाहती हूँ खुद के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उन लोगों को भी अपने काम के साथ खुश ही करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। मेरी फैमिली आज जिधर है वो सिर्फ उनके प्यार के वजह से है, तो मुझे भी उनको कुछ वापस देना है। मुझे लगता है कि मुझे अपने परिवार से सिर्फ बढ़ावा मिला है और तालीम मिली है, तो प्रेशर जैसे कोई भी नेगेटिव चीज़ों को मैं परिवार से एसोसिएट नहीं करता। वो एक नज़रिए की बात है कि आप एक नज़रिए से देखें तो आपको ज़िम्मेदारी लगेगी, एक नज़रिए से देखें तो प्रेशर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब इस कला से और इस दुनिया से प्यार करते हैं फिल्मों की, और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मौका मिला है अपने आप को साबित करने का और जिस काम से मुझे मोहब्बत है वो काम करने का। तो बस कोशिश यही रहेगी कि मैं हर बार जी जान से काम करूँ और ना सिर्फ अपने परिवार को लेकिन सारे दर्शकों को खुश करो। आप दोनों ने मराठी फिल्म देखी होगी, तो आपका जो किरदार है वो मराठी फिल्म और ये हिंदी फिल्म तक का कितना अलग है? बहुत ही अलग है। मुझे लगता है कि परसिया और आर्ची जो किरदार हैं सैराट में, वो मधुकर और पार्थवी से बहुत ही अलग हैं। उनकी परवरिश अलग है, उनकी दुनिया अलग है, उनके ख्यालात अलग हैं, उनके जो अनुभव रहे हैं ज़िंदगी में वो अलग हैं। तो जब आपस में उनका एक रिश्ता बनता है तो वो रिश्ता भी एक नया रिश्ता है। तो हमने उस कहानी से प्रेरणा ज़रूर ली है लेकिन एक नई फिल्म बनाने की कोशिश की है। और हाँ, इसके आगे अगर आपको कहूँगा तो फिर आपको फिल्म की कहानी पता चल जाएगी, फिर आप फिल्म नहीं देखने आएंगी, तो हम कम ही बोलेंगे तो बेहतर है। आप आई थिंक द सेम, किरदार बिल्कुल ही अलग है, जाहिर है, क्योंकि परशा और आर्ची महाराष्ट्रन है, एक करमाड़ा से है, और पार्थवी और मधु उदयपुर से है, तो उनकी परवरिश अलग है। पार्थवी एक राष्ट्रीय खानदान से है, तो उनके माँ बाप बिल्कुल अलग है, जिस तरह वो बात करती है वो अलग है। और हम दोनों, एक्चुअली मधु और पार्थवी दोनों उदयपुर से बहुत ही अटैच्ड है, वो उनके एक आइडेंटिटी का हिस्सा है, तो वो भी बहुत इफेक्ट करता है हमारे स्टोरी लाइन को, इस कहानी को। वो बहुत मैथ कैलकुलेशन कर लिया आपने। आपको ये कैसे पता कि कौन से घंटे पे पहला शो होगा? अराउंड, हाँ, अच्छा, बॉल पार्क से कर दिया। I don't know, I'm not thinking about
my life changing or not changing. I'm just, I hope that people like the film, and maybe, I mean, I don't know if people's lives will change after seeing it, but I hope that they take away something from it, because whatever I could take away from the experience I think I have during the filming process. तो मुझे जो सीखना था, जो जितना मिलना था इस एक्सपीरियंस से, फिल्मिंग के दौरान ही मिला मुझे. अभी जो होने वाला है, आई होप कि मुझे काम करने का और भी मौका मिलेगा इस फिल्म के बाद, और मैं लोगों को अपने काम से खुश कर पाऊँ. लेकिन आई मीन, नाउ इट्स अबाउट गिविंग, नाउ इट्स अबाउट द ऑडियंस, इट्स नॉट एज मच अबाउट व्हाट विल हैपन टू मी आफ्टर द फिल्म. मैंने जिंदगी भर उनसे देख के सीखा है. उनके एक्टर बनने से पहले भी उनसे बहुत मैंने इंस्पिरेशन ली. वो मेरे बड़े भाई हैं, तो एज एन इंसानी तौर पर उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है. और एज एन एक्टर ऑल्सो ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स. आई थिंक उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है और बार बार अपने आप को साबित किया है. तो यस, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड. उनकी तरफ से लास्ट टू क्वेश्चंस, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन? उन्होंने डेफिनेटली पीपल लाइक यू. उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है. आई मीन जो भी ट्रेलर वगैरह देखा होगा, ट्रेलर देख के उनको बहुत खुशी हुई, उनको बहुत अच्छा लगा. और शायद वो उन्होंने काफ़ी सोच दिया इस बात को, वो ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा इट्स ऑल गुड, ऑल पॉजिटिव, कुछ क्रिटिसिज्म नहीं है. आपसे सवाल है, हमेशा ऑडियंस और जनता इम्पोर्टेंस रही है पिक्चर के लिए. जब ट्रेलर आया था तो ट्रेलर रिव्यू में काफ़ी फैंस लोगों से पूछा गया था कि कैसे पैर हैं, ऑन स्क्रीन पैर कैसे लगे. तो दे सेड के दे आर लुकिंग लाइक अ फ्यूचर शाहरुख और काजोल की जो जोड़ी है, हम देखते हैं फेमस जोड़ी है ऑन स्क्रीन. तो वो उस तरह से आपको कंपेयर कर रहे थे, तो ये कॉम्प्लीमेंट आपको कैसा लगता है आप दोनों से? उनकी जगह कोई नहीं ले सकता एक्चुअली. लेकिन लोगों को हमें देख के अच्छा लग रहा है, मुझे भी खुशी हो रही है. अगर इसका मतलब ये है कि वो आके मूवी देखेंगे, मूवी में और भी देखने को मिलेगा, तो प्लीज आइए. My last question. My question is to Janvi and to Ishan. First of all, you are debuting and बता दिया कितनी मजे आ रही है एंड कितना क्या क्या सीखा, कितने चैलेंजेस फेस किए प्री एंड पोस्ट, मतलब जब आपने शूटिंग की तब और जब खत्म हुए प्रमोशन करें, क्या ज्यादा टफ लगा और क्या चैलेंजेस आए? प्रमोशन बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत सारे कैमराज और लाइट्स हैं यहाँ. लेकिन फिल्मिंग के दौरान भी और प्री प्रोडक्शन में भी चैलेंजेस थे, लेकिन उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत मज़ा आया वो सब टैकल करने में, लैंग्वेज को समझने में. उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, दिक्कत नहीं लेकिन बहुत काम करना पड़ा. लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, मैं बहुत खुश थी कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है और यू नो अपने आप को बेहतर करने का मौका मिल रहा है. सर मैं भी तो जवाब दे दूँ. मैम, मुझे लगता है कि दोनों में चैलेंजेस होते हैं. फिल्म में वो ज़्यादा अहम चैलेंज होता है कि आप किरदार को ईमानदारी से, अच्छे तरीके से निभाएं, पूरी तरह से निभाएं. लेकिन मुझे लगता है कि फिल्मिंग ज़्यादा आसान प्रोसेस है प्रमोशन से, क्योंकि फिल्म में आमतौर पे एक कैमरा होता है और यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम कौन से कैमरा पे देखें. तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 100-200 कैमरास तो होंगे, तो वो ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल. आप मुझे बता रहे हैं, बता रहे हैं? आप अगर बता रहे तो बहुत खुशी मिलेगी अगर मुझे ऐसा मौका. घी शक्कर दोबारा. जी हाँ, घी शक्कर वापस आपको. Dan, thank you. Dan, thank you. Thank you. It's okay. Sir, अपने अपने माइक ही उठा लीजिए. Thank you. Back कुर्सियाँ हटा दे. अच्छा,
हमने बचा लिया अपनी लेट अस शिफ्ट दिस थिंग ना थोड़ा यू कैन कम इन द सेंटर हां रहने दो यार सुमित कुछ नहीं पूछ सकते हो आप अरे कैसी बात कर रही हो आप बस बस अच्छा आप लोग वहाँ खास सोशल जा रहे हैं ना तो थोड़ा धीरे जाना क्योंकि आपको तो गाड़ी जल्दी पहुँच जाएगी हम लोग भी वहाँ पे आ रहे हैं ये पूछना माँ का पूछना नहीं ना बारिश शुरू होगा हम पहुंचेंगे तभी शुरू होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो कई लोग दो दो टीम है कोई भरोसा नहीं हमारी फ्लाइट है उसके कैंसिल ना कर प्रियंका रुकना आप हाँ हाँ आप निकलो अभी मैं बोल रही हूँ नहीं विजुअल्स ले लो आपने ड्रेस चेंज कर ली तो जो बच्चा कुछ आप पूछ रही है काश इस वक्त मेरे हाथ में भी एक कैमरा होता ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं दस कैमरा ऐसे यू कैन यू कैन टेक दिस यू कैन यूज द कैमरा यू कैन यूज योर कैमरा इस वक्त सर एक और बार आपको करना पड़ेगा वो नीचे वो सब साथ में पैन पैन रेडी 1 2 3 कहते हैं पैन आप बहुत ही क्यूट हैं ही इज एवरीबॉडीज फेवरेट हां साइड इन आप क्यों छुप गए आप शर्मा गए Visuals mil gaye sir. Dan, let's go. Alpha Dan, can we go? Alpha can yes. we go? Come. Thank you. Please make space.